तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 रीलें हैं, पर दोस्तों यहाँ पर 5 रीलें देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम चलाएंगे 3 रीलों पे 120 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक का आपको हम कनेक्शन करके इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे दोस्तों। बल्कि दोस्तों अगर 2 रीलें हम एक्स्ट्रा में और देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 रीलें हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो 2 रीलें जो हैं एक टाइमर के लिए है दोस्तों और एक हाई कट के लिए है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसमें हाई कट भी लगा सकते हैं। फिलहाल की दोस्तों अगर आपको 120 वोल्ट से अगर 300 का चलाना है दोस्तों, तो आपको 3 रिले लेनी होंगी, एक सर्किट लेना होगा दोस्तों, आपका 120 वोल्ट से 300 का चल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सारा कनेक्शन क्लियर करने वाले हैं, बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दोस्तों 3 रिले लेनी है पहले, और ये 3 रिले जो होंगी दोस्तों हमारी सब 24 वोल्ट की होंगी, ठीक है दोस्तों। हमें 24 वोल्ट की 3 रिले लेनी है दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारी जो ये पॉइंट है, मतलब कि ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट, इसमें हम क्या करेंगे, एक ही वायर से इन पॉइंट को हम शॉर्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम कर रहे हैं दोस्तों, और आप अच्छे से देख भी सकते हैं। अब हमें दोस्तों क्या करना है, जैसे कि ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट, इसमें हम एक एक वायर कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। एक रिले पे एक वायर, दूसरी रिले पे दूसरा वायर, फिर तीसरी रिले पे तीसरा वायर। अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमें अपनी रिलो को एक दूसरे से शॉर्ट करना है दोस्तों। कैसे करेंगे, जैसे कि ये वाला पॉइंट दोस्तों, और फिर ये वाला पॉइंट, इससे हम शॉर्ट कर देंगे, मतलब कि पहली वाली रिले का एनो पॉइंट, रिले नंबर 2 का कॉमन पॉइंट से हम शॉर्ट कर देंगे। अब हमें दोस्तों दूसरा शॉर्टिंग करना है, वो कैसे करना है, रिले नंबर 2 का एनो पॉइंट और रिले नंबर 3 का एनसी पॉइंट से हम शॉर्ट कर देंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हम इसमें कर रहे हैं, और आप भी ऐसे ही करें दोस्तों। तो दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से समझना है, फिर हम अच्छे से कर भी पाएंगे दोस्तों। अब हमें दोस्तों करना है अपनी ट्रांसफार्मर की जो लूप है दोस्तों, मतलब कि जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर जो हमने बनाया है दोस्तों, उसकी लूप हम अटैच करेंगे अपनी रिलो से दोस्तों। तो कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, इस चीज़ को यहां पर बहुत एक अच्छी तरीके से समझना है कि हम कौन सी वोल्टेज रेंज की लूप यहां पर अटैच करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों पहली लूप, मतलब कि फर्स्ट लूप, ये है दोस्तों, ये है 180 वोल्ट की, इसको हम लगाएंगे पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट से, मतलब कि जहां पर हमने इसको कनेक्ट किया है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरी लूप लेना है, कितने वोल्ट की, ये है दूसरी लूप, ये 200 वोल्ट की है, इसको हम लगाएंगे रिले नंबर 2 के एनसी पॉइंट पर, मतलब कि जहां पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये है दोस्तों तीसरी लूप, जो कि है ये दोस्तों 240 वोल्ट की, इसको हम लगाएंगे रिले नंबर 3 के एनो पॉइंट पर दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों चौथी लूप लगाएंगे, जो कि रहेगी दोस्तों 290 वोल्ट की दोस्तों, इसको हम लगाएंगे रिले नंबर 3 के एनसी पॉइंट पर दोस्तों, मतलब कि दोस्तों ये 4 लूप का कनेक्शन है 90 से 300 का दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमारा रिले का कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है,
अब हमारा रहा है तो सर्किट का कनेक्शन दोस्तों। अब हमें सर्किट का कनेक्शन कैसे करके करना है दोस्तों, बस यहीं पर दोस्तों आपको एक बहुत एक अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि मैं तो आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, फिर भी आप कोशिश करें कि क्लियर हो ही जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमें कैसे करके सर्किट को रखना है कि ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सर्किट को इसी तरीके से रखना है, बस अब इसी तरीके से ही आपको पलट लेना है दोस्तों, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे करके आपको बहुत एक अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बस यहां पर आपको अब ध्यान से समझना है कि मैं किस चीज़ को बता रहा हूं। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर हमें मेन ट्रांसफार्मर की जो हमारी 24 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई है दोस्तों, वो ही यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, जो कि रहेगी 24 वोल्ट की मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई दोस्तों, ठीक है। अब हम दूसरी सप्लाई दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे, ये भी हमारी मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई रहेगी 24 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों, मतलब कि हमारे मेन ट्रांसफार्मर में डबल सप्लाई होना जरूरी है दोस्तों 24 वोल्ट की, ठीक है। अब दोस्तों तीसरी सप्लाई हम यहाँ पर लगाएंगे, ये भी हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई लगेगी, ये पर यहाँ पर हमें या तो फिर 909 भी लगा सकते हैं, या फिर हम 1212 का एक छोटा ट्रांसफार्मर भी रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीन सप्लाई हो गई हैं दोस्तों, अब हमें आगे क्या करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पहली वाली रिले का एक वायर लगाना है, मतलब कि जो पहली वाली रिले का ये वाला जो वायर है दोस्तों रेड कलर का, यही वाला वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी रिले का दोस्तों वायर यहाँ पर लगाएंगे, जो कि दोस्तों ये वाला वायर हम इस वायर को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तीसरा वाली रिले का वायर दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम तीसरी वाली रिले का वायर लगाएंगे, जो कि दोस्तों ये वाला वायर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन वाला लगा देंगे, मतलब कि जो हमने कॉमन बनाया है एक वायर अपना, वो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि ये वाला जो कॉमन हमने बनाया है, ये वाला वायर ब्लू वाला, यही वाला वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सर्किट का कनेक्शन तो कंप्लीट तरीके से बता दिया है कि कैसे करके आपको करना है दोस्तों, और आप अच्छे से कर भी लेंगे। तो दोस्तों अब मैं इसमें कनेक्शन अपना कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट मैंने कनेक्शन कर दिया है, बिल्कुल ओके हो चुका है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, बस वैसे ही कनेक्शन किया है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा इनपुट और यहाँ से है दोस्तों हमारा आउटपुट दोस्तों। अब हम इसकी दोस्तों करते हैं टेस्टिंग अच्छे तरीके से कि कैसा ये वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हम सर्किट की प्रीसेट के ऊपर पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि ये सर्किट के प्रीसेट हमारे कैसे करके होना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रीसेट जो आप देख रहे हैं, ये हमें इस तरीके से रोटेट करके रखना है, लास्ट कर देना है बिल्कुल, और ये वाला जो प्रीसेट है दोस्तों हमें इस तरीके से रोटेट करके रखना है, बिल्कुल लास्ट कर देना है दोस्तों, और फिर ये वाला जो प्रीसेट है दोस्तों ये भी हमें ऐसे ही करके रखना है दोस्तों, तब ये ऑफ की कंडीशन में है दोस्तों, और जब हम इसको लाइन देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमें ऐसे करके ही पहले प्रीसेट को सारे ऑफ कर देना है, फिर बाद में जब हम अपने स्टेप को कटअप करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम दोस्तों टेस्टिंग करते हैं। तो यह है आउटपुट मीटर और ये भी है आउटपुट मीटर, और दोस्तों जैसे कि हमने वो पहले वाला जो मीटर देखा वो है दोस्तों हमारा इनपुट मीटर। अब हम दोस्तों इसको लाइन देते हैं और हम देखते हैं कि हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हमने 120 वोल्टेज के आसपास इनपुट में दे दिए हैं, और हमें आउटपुट में 198 मतलब कि 200 वोल्ट का आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब कि 120 से लेकर के 200 वोल्ट का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोस्तों लगाते हैं इसका कटअप, और कटअप किस तरह कैसे करके लगाते हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए कि मैं कौन सा प्रीसेट पहला सेट कर रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हम ये वाला जो प्रीसेट है, हम इस प्रीसेट को हल्का सा थोड़ा सा ही रोटेट करेंगे और हमारा कटअप लग जाएगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों लग ही गया है।
अब हम दोस्तों दूसरा कटअप लगाएंगे, हम वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर हम लगाएंगे दोस्तों दूसरा कटअप। दूसरा कटअप हम किस प्रीसेट से लगाएंगे वो यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। तो दूसरा कटअप दोस्तों हम इस वाले प्रीसेट से लगाएंगे, इसको हम भी हल्का सा ही रोटेट करेंगे दोस्तों और हमारा कटअप लग जाएगा दोस्तों। तो हमने हल्का सा ही दोस्तों हमको रोटेट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने रोटेट किया और हमारा कटअप लग गया है दोस्तों। अब हम दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, फिर थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाएंगे और हमें तीसरा कटअप भी लगाना है दोस्तों। तो तीसरा कटअप दोस्तों हम किससे लगाएंगे, वही है जो बीच वाला एक हमारा प्रीसेट बचा है दोस्तों, उसी प्रीसेट से ही हम तीसरा कटअप लगाएंगे दोस्तों। तो कैसे करके लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप इसको भी आप देख लीजिए कि किस तरह कैसे करके हम रोटेट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने तीनों कटअप अपने फाइनल कर दिए हैं और इनपुट में वोल्टेज आप देख सकते हैं 300 से प्लस का वोल्टेज हो चुका है और आउटपुट में हमें 250 के आसपास ही आउटपुट मिल रहा है। तो दोस्तों मतलब कि 120 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट में अच्छा वर्क कर रहा है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैंने एक एक चीज़ को क्लियर कर दी है और आपका क्लियर भी हो गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, बस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए क्योंकि इसमें भी टेस्टिंग आपको अच्छे से दिखाई जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों अपनों का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही एक वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों अपनों का ख्याल रखिएगा।